राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दिफा हैं, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए कहा है, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा, क्योंकि चीन अगर पीछे हट रहा है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी है, उसकी फौज की हालत पतली हो चुकी है, वो -40 डिग्रीज में। हमारे जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। आखिरकार चीन भारत के सामने झुका और भारत के शर्तों पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का काम शुरू किया। लेकिन इसके साथ एक और अच्छी खबर भारत के लिए आई है कि पिछले साल जब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था और उस झड़प में 20 भारत के सैनिक मारे गए थे, उस समय चीन ने कितने सैनिक मारे गए इसकी पुष्टि नहीं किया था। लेकिन अब सोवियत संघ के एक अखबार तास ने इसकी पुष्टि किया है कि उस झड़प में चीन के भी 45 सैनिक मारे गए थे। तो रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। न्यूज एजेंसी का यह दावा है, गलवान झड़प में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। अब ये रशियन एजेंसी है, हम तो चलिए पार्टी हैं डिस्प्यूट के, पर ये रशियन एजेंसी है, रशिया चाइना का मित्र भी है, उसके बाद भी अगर इस तरह की जानकारी आ रही है तो हमारे गलवान के जो शहीद हैं उनके लिए एक और आत्मा की शांति की बात है कि वो लड़े और सामने दुश्मन को भी उतना नुकसान किया जितना दुश्मन ने सोचा भी नहीं था। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान के एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शाहिद मसूद इस संबंध में अपनी क्या राय रखते हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान तल्खियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफा, और ये पिछले साल मई में जो वाकयात पेश आए थे उन वाकयात के बाद, और फिर तनाव बढ़ता गया, फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई, फिर हुई होते होते पहली दफा जो है वो ये है कि आज राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी हमारा एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया है, और वो अगले 48 घंटों में, यानी कल से लेके आज तकरीर की है तो कल तक, या अगर लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है तो एक दिन आगे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ यह है कि वो जो सबसे ज्यादा आप समझें कि जो जहां कशीदगी थी, जहां पे वैसे तो कई जगहों पे, लेकिन यह है कि जो पेंगोंग सू का इलाका है, पेंगोंग सू पे ये बात हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि एक इसका जो है वो शुमाली इसका किनारा है, झील है ये, एक इसका शुमाली किनारा है और एक इसका जुनूबी किनारा है, और लेकिन असल में वो शुमाली और जुनूबी नहीं है, अगर आप उनको हकीकतन देखें तो वो कुछ मशरकी और मगरबी है, लेकिन बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहलाता है। तो खबर ये है जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहां पर कहा, उनके वजीर दिफा ने, वो ये कहा कि 48 घंटों में यह तय हुआ है कि 48 घंटों के अंदर पेंगोंग सू जो है वहां से दोनों फौजें पीछे हटेंगी। आज चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री खुद कहती है डिसएंगेजमेंट के बारे में, पीएलए खुद बात कर रही है कि हम पीछे जा रहे हैं, जो ओरिजिनल लाइन थी अप्रैल 2020 के पहले की लाइन हम वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्चर दोनों आर्मीज ने ले लिया था। हमने तो खैर पूरा कैलाश रेंज ही घेर लिया था, मगल हिल और रिजांगला वाला पूरा जो रिज है इस तरीके का वो तो हमने पूरा घेर लिया था, और हम बिल्कुल मोल्डो गैरिसन के ऊपर देख रहे थे, चाइना को बड़ी दिक्कत हुई उस चीज से। अब चाइना वापस जा रहा है, अपनी खुद की फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे जा रहा है, और हम भी खुद की फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे जा रहे हैं, यानी कि जो पहले वाला मामला था वो दोबारा होने वाला है, जो पहले वाला मामला था। ईस्ट लद्दाख की सिर्फ बात कर रहा हूं, और खासतौर से पेंगोंग सू वाले एरिया की, क्योंकि चीन अगर पीछे हट रहा है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी है, उसकी फौज की हालत पतली हो चुकी है, वो -40 डिग्रीज में। हमारे जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जवान
सियाचिन में 21,000 फुट की हाइट पर सारा सारा साल रहते हैं। 14-15 हजार की फुट पे की हाइट पे आके इनके दांत किटकिटाने शुरू हुए हैं। दे आर डूइंग अस नो ब्लडी फेवर। भारत और चीन की फौजें आई बॉल टू आई बॉल थी। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का ठंड में बुरे हाल हो गए। उनके 4 साल के कंस्क्रिप्शन के रिक्रूट आते हैं, 4 साल करके घर अपनी मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। ठीक है साहब, इस फौज को लड़े 42 साल हो गए थे। जब आमना सामना पड़ा भारत की फौज से तो ये इनके फरवरी तक छक्के छूट गए हैं ठंड में, इसलिए डिसएंगेज करके पीछे जा रहे हैं। सही। अच्छा, इसको अब उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना एंड इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज दिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। ठीक है, ये चाइना की तरफ से ऐलान हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से किया कि चाइना इंडिया आर्मीज डिसंगेज ब्रेक थ्रू इन रिटर्निंग टू पीस, और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उनका मीडिया जो है वो कर। अब हुआ ये हुआ किस तरह से, इसको बुनियादी तौर पर इस तरह समझें कि जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई थी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही और ये अच्छा हुआ, इससे आगे जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। और खास तौर पे ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये उत्तराखंड का जो डैम के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दरिया में, और यहाँ हमारा भी ग्लेशियर के अंदर हमारे हीरो और गैर मुल्की, अल्लाह ताला करे अभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए, तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस की है तो ये पहाड़ों के, और हम पाकिस्तान का हमेशा स्टांस रहा है सियाचिन के हवाले से भी कि बातचीत की जाए, तो बातचीत होनी चाहिए, जंगें तो मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अपने मुल्क के लोगों से ही बातचीत ना करें मोदी साहब, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहां पर अब चाइना जो है वो ये तय हुआ है कि पेंगोंग सू की जो झील है उसकी, उसको जो पहाड़ है उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ दिखाता हूँ उनकी 8 उनको फिंगर्स हैं ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है, तो पहाड़ जो है वो चाइना जो है वो फिंगर 8 तक था, ठीक है, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक था। चाइना जो है वो यहां से फिंगर 8 से फिंगर क्रॉस करते करते ये 7-6 ऐसे करते करते आगे ये कुछ 3-4 तक आ गया था चाइना, तो और यहां इंडिया जो है यहां फंस गया था, इंडिया आगे बढ़ नहीं पा रहा था, यहां तक फंस गया था। और यहां पर फिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इंडिया ने फिर जो झील के उस तरफ का हिस्सा है, यानी फिंगर्स तो शुमाल की साइड पे हैं, तो जो जनूब की साइड है जो साउथ बैंक है या जिसको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस तरफ जो बारह दूसरी तरफ पे इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके, ये भी हम तफसील से डिस्कस करते हैं। तो अब ये तय हुआ है कि जी इंडिया जो है वो फिंगर 3 से, अच्छा पहले इस झड़प से पहले फिंगर 3 से फिंगर 8 तक इंडिया की पेट्रोलिंग होती रहती थी, सही। लेकिन झड़प के बाद ही हुआ कि चाइना आ गया तो पेट्रोलिंग ही नहीं थ्री तक मैसूर। अब ये हुआ है कि चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरिजाब 2 की एक जो जगह जो बेस कैंप जहां पहले था, वो पहले जिस जगह पे था वहां तक चाइना आ जाएगा, और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा। ये बहुत सारी जगह, बहुत सारे जो महाज हैं उनमें से एक महाज के ऊपर ये डिसएंगेजमेंट हो रही है, जो कि अच्छी खबर है। चीन झुका और भारत के शर्तों पर अपनी फौजों को पीछे हटाने का काम शुरू किया, पर विदेशी मामलों के जानकार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच इतने अच्छे ताल्लुकात थे, फिर ऐसी क्या हुई कि युद्ध जैसे हालात बन गए थे। पर उत्तर किसी के पास नहीं, अधिकांशतः लोग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का जिनकी मेजॉरिटी व्यू है उन लोगों का यह कहना है कि भारत ने 2015 से चीन के बारे में अपनी नीति में बदलाव किया और चीन के साथ सटे बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड, बंकर, हवाई पट्टी, टनल आदि शामिल है, इनको मजबूत करने का काम शुरू किया। साथ ही अपनी सेना को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए देने लगा और चीन के विरोधी देशों के साथ एक अलग ब्लॉक बना लिया। उससे चीन को लगा कि भारत उसके लिए कभी
खतरा बन सकता है और 1962 का बदला ले सकता है। इसलिए चीन ने 2017 में पहले डोकलम में भारतीय सीमा पर आक्रमण करके भारत के जवाबी प्रतिक्रिया का अंदाजा लेने की कोशिश की, पर 73 दिनों तक यह विवाद चला और अंत में चीन को यह समझ में आ गई कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। फिर चीन एक उपयुक्त मौके की तलाश में था और वह मौका दिया यह महामारी, जब पूरा विश्व इस महामारी से निपटने में लगा था और उधर अमेरिका, जो अभी सोल सुपर पावर है, वह अपने राष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त था, जो भारत को समर्थन भी देता था, लेकिन चीन को यह लगा कि चीन अब यह उपयुक्त अवसर है, चूंकि अमेरिका महामारी और अपने राष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त है तो भारत की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। फिर एक षड्यंत्र के तरह 5 जून को वार्ता के दौरान चीन भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन अपनी संख्या छुपाए हुए था, हालांकि उस समय अमेरिकी अखबारों ने यह खबर प्रकाशित किया था कि चीन के भी 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन लोग यह समझे कि चूंकि अमेरिका भारत के साथ है इसलिए भारत के पक्ष में यह बयान दे रहा है। लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट अखबार था जो रशिया का अखबार है, उसने यह पुष्टि किया है कि चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद 29-30 जून की रात भारत के SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने जो कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप आदि पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, तब से भारत का अपर हैंड हो गया था। इस पहाड़ी की चोटी से भारत चीन के मालडा सैनिक अड्डे को कभी भी ध्वस्त कर सकता था और यह अड्डा गलवान घाटी और पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए बनाया गया था चीन द्वारा, और यह हड्डा अगर नष्ट हो जाता तो फिर चीन को भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। यह समझौता भारत के शर्तों पर हुआ है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जो तनाव दोनों देशों के बीच करेगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पर चीन अगर चाहता है तो भारत को युद्ध करना मजबूरी हो जाएगी। अभी तो वापसी की शर्तें शुरू हो गई हैं और सैनिक पीछे हटने लगे हैं, लेकिन भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। चीन पर इतना जल्दी भरोसा करना जरूरी नहीं है, ध्यान देते रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।